नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। हेयान बाबी मस्जिद को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और ये जो बयान है बेहद ही चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली। पहले पूरा मामला क्या है ये समझते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि राकेश टिकैत ने हेयान बाबी मस्जिद पर जो बयान दिया है उससे क्या आज की सरकार को सीखने की ज़रूरत है। देखिए दर्शकों, हम लोग तो जानते ही हैं कि पिछले एक हफ्ते से जब से कोर्ट का ऑर्डर आया ज्ञान बाबी मस्जिद को सर्वे करने के लिए, उसके बाद से देश में तहलका मच गया, उसको लेकर बवाल मच गया और जुमे के दिन से ये चीज़ की शुरुआत हुई थी। जब तक सर्वे होता रहा, वीडियोग्राफी होता रहा, तब तक तहलका मचता रहा ज्ञान बाबी मस्जिद और विश्वनाथ काशी विश्वनाथ को लेकर। लेकिन उसके बाद अब नेताओं के रिएक्शन आने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून का उल्लंघन है, उन्होंने तो कोर्ट पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद से अब वो नेता जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, वो नेता जो हमेशा से किसानों की आवाज़ को उठाते हैं, कभी लखीमपुर तो कभी रायपुर, कभी दिल्ली तो कभी टिकरी बॉर्डर, और कभी सिंगू बॉर्डर तो कभी गाजीपुर बॉर्डर से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जी हाँ, कोई और नहीं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने क्या कहा, आइए इसको समझते हैं। वो वैसे भी अपने मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों मीन्स कि किसानों के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार, योगी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, उनको चेतावनी देते रहते हैं, उनको धमकियाँ देते रहते हैं। और अब ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा है, और वो ये कि आज सरकार खुद ही लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, इसी खेल को समझना है हम सबको, दर्शकों को, कि आज हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठना है, अगर बचना है तो वाकई में हमें राकेश टिकैत के बयानों को समझना होगा। कि देखिए, नेता से बड़ा कोई भी जो है ड्रामेबाज नहीं होता, ये हम सबको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि नेता का ही इसके पीछे हाथ होता है जो आम लोगों को गुमराह कर जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। और राकेश टिकैत का जो बयान है वो यही है कि आज सरकार खुद ही काम कर रही लड़ाने की। बिल्कुल, जब ऐसे वक्त में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ऐसे मुद्दों पर बात कर फायदा क्या। देखते हैं कि टिकैत के बयान का सरकार क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबर के लिए देखते हैं एसपीएनआई न्यूज़। नमस्कार।